प्यारे दोस्तों, देखें आज हम पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पढ़ेंगे। पीछे हमने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का पढ़ लिया है और आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जिसमें इज़हार अहम इस्तेमाल होता है उसका पैसिव वॉइस आज हम देखेंगे। देखें ये जो टेंसों के साथ साथ पैसिव वॉइस हैं ये भी बड़े ज़रूरी हैं। इसके बगैर आप मुकम्मल तौर पर इंग्लिश जो है वो नहीं सीख सकते। तो इसमें हम देख लेते हैं बनाने का तरीका। देखें जैसे ये पहला फिक्रा है, बर्ची गोश्त नहीं भून रहा है। द कुक इज नॉट रोस्टिंग द मीट, ये डायरेक्ट फिक्रा है और एक्टिव वॉइस है, और जबकि इसका पैसिव वॉइस बनाया गया है द मीट इज नॉट बीइंग रोस्टेड बाय द कुक, यानी जो मीट है ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट बन गया है, उसके मुताबिक वर्ब इज आर एम इस्तेमाल करना है और फिर बीइंग लगाना है। बीइंग इस इन तमाम फिक्रों में इस्तेमाल होगा तो वर्ब की तीसरी फॉर्म जो है वो लगा देनी है। तो इस तरीके से हमने ये फिक्रे जो है मुकम्मल कर लेने हैं। द कुक इज नॉट रोस्टिंग द मीट, यानी कुक जो है वो रोस्ट नहीं कर रहा मीट, और गोश्त बॉर्ची से नहीं भूना जा रहा। द मीट इज नॉट बीइंग रोस्टेड बाय द कुक, द मीट इज नॉट बीइंग रोस्टेड बाय द कुक। मेरा नौकर अंडे वार रहा है। माई सर्वेंट इज बॉइलिंग द एग्स, ये एक्टिव हो गया और इसका पैसिव है। अंडे मेरे नौकर से उबाले जा रहे हैं। द एग्स आर बीइंग बॉइल्ड बाई माई सर्वेंट, एग्स जमा है इसलिए आर लगाया और बीइंग लगा दिया, वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा दी और बाय के बाद जो है हमने वो जो ऊपर सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना के लिख दिया। क्या फैसल अपने कपड़े इस्त्री कर रहा है या कर रहे हैं? फैसल बड़ा आदमी होगा। इज फैसल अर्निंग हिज क्लोथ्स, इज फैसल अर्निंग हिज क्लोथ्स, और इसका पैसिव वॉइस है कि आर हिज क्लोथ्स बीइंग आयरन्ड बाय फैसल, आर हिज क्लोथ्स बीइंग आयरन्ड बाय फैसल। नईम नज़म ज़बानी याद कर रहा है,
नाइम इज लर्निंग ए पोएम बाई हार्ट भी लगाते हैं बाद जगह बाद नहीं भी लगाते। लर्निंग का मतलब ही ये होता है कि जबानी या वैसे सीखना। और इसका पैसे वायस इस तरह हो गया, नज़म नाइम से जबानी याद की जा रही है, अ पोएम इज बीइंग लर्न्ड बाय नाइम, अ पोएम इज बीइंग लर्न बाय नाइम। फसलें काटी जा रही हैं, द क्रॉप्स आर बीइंग हार्वेस्टेड। और छठा फिक्र है, पागल कुत्तों को हलाक किया जा रहा है, द मैड डॉग्स आर बीइंग किल्ड, द मैड डॉग्स आर बीइंग किल्ड। पागल कुत्तों को हलाक किया जा रहा है। मुलाजम से बर्तन साफ किए जा रहे हैं, पॉट्स आर बीइंग क्लीन्ड बाय द सर्वेंट, पॉट्स आर बीइंग क्लीन्ड बाय द सर्वेंट। किताबें दोहराई जा रही हैं, द बुक्स आर बीइंग रिवाइज्ड। इस बार तो पहली बार भी नहीं पढ़ी गई, द बुक्स आर बीइंग रिवाइज्ड। क्या आज लड़कों में मिठाई तकसीम की जा रही है या मिठाइयाँ तकसीम की जा रही है, आर द स्वीट्स बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग बॉयज टूडे, आर द स्वीट्स बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग बॉयज टूडे। खेतों में बार बार हल चलाया जा रहा है, खेतों में बार बार हल चलाया जा रहा है, द फील्ड्स आर बीइंग प्लॉड अगेन एंड अगेन, द फील्ड्स आर बीइंग प्लॉड अगेन एंड अगेन। खेतों में बार बार हल चलाया जा रहा है। पाकिस्तान के बहुत से हिस्सों में नई सड़कें बनाई जा रही हैं, द न्यू रोड्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। न्यू यहाँ पर नहीं लिखा जा सका, द रोड्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। मीटिंग इज नॉट बीइंग हेल्ड हेयर, आज यहाँ जलसा नहीं हो रहा, जिसको मीटिंग भी कहा जाता है, मीटिंग नहीं हो रही, मीटिंग आज नहीं हो रही। क्या जंगल में परिंदों का शिकार किया जा रहा है, आर द बीस्ट बीइंग हंटेड इन द फॉरेस्ट, आर द बीस्ट बीइंग हंटेड इन द फॉरेस्ट। फैसल इज बीइंग टेकन टू टास्क फॉर कमिंग लेट, फैसल को देर से आने की वजह से डांट पड़ रही है, डांट। काले की तमाम दीवारों की सफेदी हो रही है, All the walls of college are being whitewashed. All the walls of college are being whitewashed.
डेली अंग्रेज़ी सीखा करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जब भी नई वीडियो लगे तो आपको फौरन मिल जाए। शौक पैदा करें, अंग्रेज़ी सीखने का मुश्किल नहीं है, बड़ी आसान है। थैंक यू, अपना ख्याल रखना।